Hello students, this is Priyanka Pandey. Welcome to our YouTube channel. So in our previous video, we have discussed about the formation of megaspores, how the megaspore is formed, megasporogenesis process we have discussed earlier. Here the topic which I am making students basically is based on the NCERT book, the topic wise from NCERT book. So today we will going to discuss about the pollination. Okay, so pollination jo term hai वो सब फैमिलियर होंगे कि क्या पॉलिनेशन होता है. जैसे कि आप ये फ्लावर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक बी आ रही है एंड वो नेक्टर को सक कर रही है और इस नेक्टर से फिर वो इनडायरेक्टली जो फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या होता है उसके माउथ में स्टक हो जाते हैं एंड जब ये फिर यहाँ से ट्रैवल करके दूसरे फ्लावर में जाएगी तो फिर वो पॉलन ग्रेन्स को उस दूसरे फ्लावर में क्या कर देगी, रिलीज कर देंगे. दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एज वी ऑल नो. सो here you can see the definition. The transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower is termed as pollination. ये एक फ्लावर है, ये एक सेकेंड फ्लावर है. इस फ्लावर में कोई इंसेक्ट आके बैठता है और यहाँ से एंथर को पॉलन ग्रेन्स को लेके वो दूसरे फ्लावर में चला जाता है, देन वी विल कंसिडर इट एज अ पॉलिनेशन. बट यहाँ पे जो पॉलिनेशन का टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता, सिर्फ इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे हम अभी एजेंट्स पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के क्या क्या एजेंट्स होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं. ओके, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. सो कमिंग टूवर्ड द टॉपिक कि जैसे मैंने बताया कि पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं. ओके, मेल गैमेटोफाइट एंड स्टिग्मा इज व्हाट इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट. यहाँ से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है एंड देन दिस पॉलन रिलीज द टू मेल गैमेट्स एंड इट विल कम टू द एम्ब्रियो सैक ओव्यूल एंड देयर द पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. दिस इज ओनली सिंपली वी कैन से इट पॉलिनेशन. ओके, सो यही प्रोसीजर्स हो रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पॉलन ग्रेन्स आर इमोबाइल. जैसे कि हमको पता है कि पॉलन ग्रेन्स इमोबाइल होते हैं, उसके पैर हाथ बिल्कुल नहीं होते, वो अपने से ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना. उसको ट्रैवल कराने के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जाने के लिए कोई फैक्टर्स चाहिए रहते हैं, वेदर इट कुड बी अ बायोटिक फैक्टर और इट कुड बी अ एबायोटिक फैक्टर. ओके, सो दे कैन नॉट रीच टू द स्टिग्मा बाय देमसेल्व्स. द एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. इट कैन बी विंड, वाटर, एनिमल्स, ग्रेविटी और ग्रोथ कॉन्टैक्ट. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. ओके, सो डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एज यू कैन सी देर आर बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन यू कैन सी. ओके, ऑटोगैमी, गाइटिनोगैमी एंड जीनोगैमी विच इज़ ऑल्सो नोन एज एलोगैमी. ओके, साइड बाय साइड हम ये तीनों टॉपिक को, तीनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे. कॉमन चीज़ें आपने सुनी होगी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में, जब आप छोटे क्लास में रहे होंगे तब आपने सुना होगा कि एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है. यहाँ पे जो आपको टर्म्स देखने के लिए मिल रहे होंगे वो उसी टर्म का साइंटिफिक टर्म है, हम कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कि ऑटो, ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यहाँ पे. ओके, एंड गैमी का मीन्स व्हाट, पॉलिनेशन. ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ऑटोगैमी. गाइटिनोगैमी इज ऑल्सो कंसिडर्ड, वी कैन कंसिडर इट एज अ बोथ क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, बट इसे हम ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन कंसिडर करते हैं. हम लोग क्यों करते हैं वो मैं भी अभी बताऊँगी. जीनोगैमी मतलब सिंपली टोटली क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, एक प्लांट के एक फ्लावर से ट्रेवल करके वो दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर्स में जाते हैं. सो कमिंग टूवर्ड द टॉपिक, दीज आर द बेसिक फ्लो चार्ट्स. एज यू कैन सी हियर कि पॉलिनेशंस कैसे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी एंड गाइटिनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. नाउ हियर इज अ डाउट कि मैम यहाँ पे तो डिफरेंट फ्लावर हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स बिकॉज जो प्लांट है वो सेम है, फ्लावर भले ही डिफर कर रहा है बट प्लांट्स आर सेम. तो आप इसको क्रॉस पॉलिनेशन में भी कंसिडर कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स टोटली क्या कह सकते हैं कि वो टोटली डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पे ही डिपेंड करता है. नाउ ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ही होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर्स चाहिए कि यहाँ के पॉलन ग्रेन को हम लोग दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करें. तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्वाइट कंपलसरी हो जाता है, कैसे अभी वो देखेंगे. तो क्रॉस पॉलिनेशन भी आप देख सकते हैं, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर बोलने का मतलब है दोज फैक्टर्स विच डजंट कंटेन
एनी लाइफ है ना, जिसमें कोई लाइफ नहीं होता, नेचुरल होते हैं। ओके, बायोटिक फैक्टर मतलब जिसमें लाइफ हो। तो यहाँ पे विंड पॉलिनेशंस होते हैं, वाटर पॉलिनेशंस होते हैं। विंड पॉलिनेशन का साइंटिफिक टर्म हमें सो एनेमोफाइली बोलते हैं, एंड वाटर पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइली। वैसे ही बायोटिक फैक्टर्स यहाँ देखने के लिए आपको मिल रहे हैं एंटोमोफाइली, कायरोप्टेरोफाइली, मेल्कोफाइली एंड ऑमनिथोफाइली। ये तीनों चारों टर्म हम लोग अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ओके, सो कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, डिवाइसेस ऑफ ऑटोगैमी देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑटोगैमी जो टर्म होता है उस केस में क्या होता है, इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, इसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे सेल्फ बोलने का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स, सेल्फ मतलब खुद से। ओके, मतलब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने पॉलिनेशन करने के लिए, कि खुद से मतलब खुद के फ्लावर में ही इतना कैपेबल रहता है कि वो पॉलिनेशन कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, देयर इज़ वन फ्लावर विच कंटेन बोथ। ओके, इसके पास एंथर भी है, इसके पास स्टिग्मा भी है। ओके, मतलब बोथ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो इन दिस कंडीशन देयर इज़ अ चांस कि ये वाला उसी प्लांट का, उसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो डायसेंस होके उसी फ्लावर के उसी एंथर में, उसी स्टिग्मा में आके ज्वाइन हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में जब सेम फ्लावर से, जब यहाँ पे पॉलिनेशन सेम फ्लावर के सेम एंथर के सेम स्टिग्मा में हो, है ना, मींस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम दैट पर्टिकुलर फ्लावर, तब हम उसे क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन कंसिडर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको ऑटोगैमी की बात करें तो हम यहाँ पे एज अ कंसिडर कर सकते हैं कि दो मेथड्स होते हैं ऑटोगैमी के। पहला होता है होमोगैमी और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमी। होमोगैमी का मतलब हम इस वक्त जितने भी कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर बोलने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि कैस्मोगैमस फ्लावर जो ओपन स्ट्रक्चर हो, मतलब उसके स्टिग्मा, उसके एंथर जो भी हैं वो ओपन हो, एक्सपोज्ड हो, इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड हो, किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन या कोई भी कवरिंग उसमें नहीं रहेगी। ओके, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कैस्मोगैमस। जैसे कि ये स्टिग्मा है एंड दिस इज़ योर एंथर, दैट फ्लावर पर्टिकुलर एंथर, एंड हियर आर द पेटल्स एंड सैपल्स विच आर प्रेजेंट, बट यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट के, फ्लावर के, वो एक्सपोज्ड कंडीशन में है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कवरिंग नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये डायरेक्ट एंथर इसमें आ जाएगा, है ना, या पॉलिनेटर्स भी हेल्प करेंगे कि यहाँ से दूसरे कंडीशन से आ जाए। तो ये होता है कैस्मोगैमी, ठीक है, या कैस्मोगैमस फ्लावर, या इसी को होमोगैमी भी बोला जाता है। द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ कैस्मोगैमस और ओपन फ्लावर आर ब्रॉट टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। द सेकेंड टर्म जो होता है आप लोग को देखने के लिए मिलेगा क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी इज समथिंग, है ना, क्लिस्टोगैमी से एक ऐसा फ्लावर है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, सपोज इफ दिस इज़ अ फ्लावर, ओके, सो हिज हियर द मेल गैमेटोफाइट, द फीमेल गैमेटोफाइट एंड द मेल गैमेटोफाइट लाई इन अ क्लोज्ड फॉर्म। ओके, हियर दीज विल लाई इन अ क्लोज्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट है एंड जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो एक्सपोज्ड नहीं है इन्वायरमेंट में, वो कवर्ड है, ठीक है। अब इस कंडीशन में किसी भी कारण से, किसी भी रीज़न से सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि बिकॉज ये फ्लावर कवर्ड है। अब यहाँ पे पॉलिनेटर्स आ भी जाएंगे तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँच नहीं पाएंगे, एंड जब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक नहीं पहुँचेंगे सो देयर विल बी नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। सो देयर विल बी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें कि कौन से टाइप में किस, कभी भी कोई चांस नहीं होता कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, सो इट विल बी क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, अभी आगे और इसको देखेंगे। हियर यू कैन सी द पॉलिनेशन डायग्राम, हियर इज़ द सेल्फ पॉलिनेशन, एज यू कैन सी द सेम फ्लावर पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस। दिस इज़ एलोगैमी मीन्स जीनोगैमी। हियर टोटली डिफरेंट फ्लावर द पॉलिनेशन टेक्स between the different flower, totally different flower of different plant as you can see. Okay,
So these are the types of pollinations. Okay, coming toward the difference between the chasmogamous versus cleistogamous, as you can see, chasmogamous में आपको देखने के लिए मिलेगा कि the production of flower that opens so as to expose the reproductive organ and allow cross pollination. Chasmogamous में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके reproductive organs जो होंगे, जो anther होगा एंड जो stigma होगा वो exposed रहेगा environment में, पेटल्स एंड सेपल्स के साथ कवर्ड नहीं रहेगा. सो अब यहाँ पे पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए हमको कि वो अट्रैक्टिव दिखे, है ना. अगर वो फ्लावर अट्रैक्टिव दिखेगा, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई फ्लावर डिज़ाइन कर दिया, ये उसका स्टिग्मा है एंड हियर इज़ द मेल पार्ट. सो अगर ये फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं है, सो उस कंडीशन में कोई भी पॉलिनेटर्स इसमें अट्रैक्ट नहीं होंगे, और पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन को वो लीड नहीं करेगा. दैट्स वाई इन केस ऑफ chasmogamous फ्लावर जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज हैं, इस टाइप के फ्लावर में हमेशा आपको एक ब्यूटीफुलनेस, एक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगा जो क्या करेगा, वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा. ओके, बट cleistogamous के केस में ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज वो तो क्लोज्ड है, है ना, ये क्लोज्ड है. जैसे कि अब अभी लॉकडाउन में हम लोग क्लोज हो चुके हैं, है ना, कोई भी एक्सपोजर नहीं हमारा आउटर इन्वायरमेंट से, बहुत ही हार्डली हो पाता है. तो क्या करेंगे, घर में जो भी मिल जाएगा दाल चावल वही खाना पड़ेगा, है कि नहीं. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है भाई, यहाँ पे भी वही तो हो रहा है. ये कवर्ड है, कैद है बेचारा, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे कोई भी पॉलिनेटर्स नहीं आ सकेंगे. अब कोई पॉलिनेटर नहीं आएगा मतलब इसको घर का ही खाना खाना पड़ेगा भाई, जो मिल जाए, दाल चावल रूखा सूखा, स्विगी नहीं आएगा यहाँ पे. ओके, सो इस कंडीशन में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और बिकॉज कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है तो किसी भी कारण से बाहर से कोई चीज़ आ ही नहीं सकता उसके अंदर, कोई पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे. इसलिए जो cleistogamous टाइप के फ्लावर हैं वो मोस्ट प्रोबेबली थोड़े शैबी, ओके, थोड़े डल, मतलब उतने खूबसूरत फ्लावर्स नहीं होते. ओके, सो एज यू कैन सी इन अ डायग्राम ऑल्सो, लेट मी शो यू. Here you can see this is a flower of oxalis and this is a flower of pansy. You can see here the male and the female gametophytes are exposed here. As you can see, the male and female gametophytes are exposed here, stigma and anther. Okay, this is a pansy. This is oxalis. Pansy and oxalis are basically an example of chasmogamous flower. You can see that how beautiful this color is looking like. How bright this color is. But in case of this cleistogamous, as you can see, this is basically the diagram of groundnut. Okay, तो groundnut जो होते हैं, groundnut हो गए, इसमें क्या होता है, most probably groundnut में cleistogamous type के होते हैं, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा. तो आप देख सकते हैं कि इसका फ्लावर कैसा है, शैबी, डल, ड्राई, इस टाइप के हैं. तो इस कंडीशन में पॉलिनेटर्स आएंगे ही नहीं, है कि नहीं. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पैंसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फ्लावर, वेदर इज chasmogamous और cleistogamous, ऑक्सेलिस इज विच काइंड ऑफ फ्लावर. सो यू शुड मेमोराइज इट. ओके, लार्ज एंड मोर प्रोमिनेंट, स्मॉल एंड इंडिस्टिंग्विशेबल, हैव ब्राइट कलर, एज यू कैन सी दैट पैंसी एंड ऑक्सेलिस हैज अ ब्राइट कलर, लेस कलरफुल, हैव पेटल्स एंड पेटलॉइड्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर. एज यू आई हैव टोल्ड अर्लियर कि उसमें पेटल्स होते हैं जो उस अट्रैक्ट करते हैं खूबसूरत, ओपन एंड शोई होते हैं, ये क्लोज्ड रहते हैं. रिमेन रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इसके लिए एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती. मेनली अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन, ये हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा किसी भी कंडीशन में. एग्जाम्पल पैंसी ऑक्सेलिस, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल रहा है सुबुलेरिया, एंड ग्राउंडनट ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल. ओके, यू कैन सी हियर. Now coming toward the gaitinogamy, students, gaitinogamy is considered as a process in which, suppose this is a single plant which consists of two flowers. Suppose this is a flower and this is a flower. Suppose the pollinating agents come here and it take off the pollen grains from this flower and take it to the this flower. Okay. तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में पॉलिनेटर्स आए, एक फ्लावर का नेक्टर सक किया और वहाँ से गलती से वो क्या कर लिया, पोलन ग्रेन को अपने माउथ में स्टक कर लिया, और वहाँ से फिर वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में नेक्टर सक करने चले गए, और गलती से वो क्या करेंगे, यहाँ के जो पोलन ग्रेन्स हैं उसको यहाँ के स्टिग्मा में रिलीज कर देंगे. मतलब पॉलिनेशन बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट इज कंसिडर्ड एज gaitinogamy. ओके,
clear? So as you can see here the diagram is not much appropriate. As you can see, it is a type of pollination which pollen grains of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to the same plant or genetically similar plant. या तो सेम प्लांट होंगे या फिर जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होंगे. ओके, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर है, दोनों सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं. तो इस कंडीशन में भी हम इसको गाइटिनोगैमी कंसिडर करेंगे. इन गाइटिनोगैमी द फ्लावर्स ऑफन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वन फाउंड इन जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशंस. यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेंगे. कमिंग टूअर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, क्रॉस पॉलिनेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज जीनोगैमी एंड एलोगैमी. ओके, जिसे हम जीनोगैमी या एलोगैमी बोलते हैं. तो एलोगैमी या जीनोगैमी क्या होता है? सपोज ये कोई प्लांट है जिसमें एक फ्लावर है, ये कोई प्लांट है जिसमें एक फ्लावर है. जब पॉलिनेशन एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे. क्रॉस पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर, तब हम उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे. क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज. अब यहाँ पे जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है भाई, तो किसी रीज़न से तो एक कैसे भी अपने आप तो ट्रैवल नहीं करेगा. या तो उसके लिए एयर होगा या विंड होगा, एयर होगा या वाटर होगा या कोई इंसेक्ट होगा या कोई एनिमल्स भी होंगे, ठीक है. तो वो ही क्या करेगा? इसको ट्रांसफ़र करेगा. मतलब इन क्रॉस पॉलिनेशन देयर विल बी अ नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स. विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन विल नॉट टेक्स प्लेस. ओके, किसी भी कंडीशन में वो नहीं हो पाएगा. अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, एज यू कैन सी, कि बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं एंड बायोटिक फैक्टर्स. तो बायोटिक फैक्टर्स में आपको देखने के लिए मिलेगा विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन जो होता है वो किससे होता है, उसको क्या टर्म से प्रोनाउंस किया जाता है? एनिमोफाइली. तो आपको इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि एनिमोफाइली इज़ अ टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ पॉलिनेशन. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ विंड पॉलिनेशन. ओके, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स कि जो लोटस होते हैं, सबको पता है कि लोटस जो होता है वो पानी में रहता है. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोटस में जो पॉलिनेशंस होते हैं वो किस टाइप का पॉलिनेशन होता है. ओके, तो उसमें भी विंड पॉलिनेशन होता है. वाटर पॉलिनेशन कभी भी उस कंडीशन में नहीं हो पाएगा. ओके, उसमें भी कैसा पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन होता है. तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि लोटस में अगर पॉलिनेशन होगा तो विंड से होगा, वाटर से नहीं होता. वाटर पॉलिनेशन में आपको देख रहे होंगे टर्म क्या प्रोनाउंस किया जाता है, हाइड्रोफाइली बोला जाता है. अब आपके एनसीईआरटी में एक टर्म दिया होगा, एक एग्जांपल दिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वैलिसनेरिया ज़ोस्टेरा, है ना, वैलिसनेरिया ज़ोस्टेरा. एक और था जो कि फिलहाल में कह रहे, तो वैलिसनेरिया एंड ज़ोस्टेरा आप देखेंगे. वैलिसनेरिया इज फ्रेश वाटर प्लांट फ्लावर एंड ज़ोस्टेरा इज मराइन वाटर फ्लावर. तो आपके इस साल के जो 2019 का नीट है, ओके 2020 के नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था वैलिसनेरिया एंड ज़ोस्टेरा के रिगार्डिंग, कि इसमें किस टाइप का पॉलिनेशन होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि वैलिसनेरिया एंड ज़ोस्टेरा में क्या होते हैं, वाटर पॉलिनेशंस होते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी हियर, सो बायोटिक फैक्टर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा. तो बायोटिक फैक्टर में 1, 2, 3, 4 टाइप के होते हैं. पहला रहता है एंटिमोफाइली. अगर कोई पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो, चाहे वो बी हो, है ना, या कोई और चीज़ें, कोई इंसेक्ट हो, उसके थ्रू अगर होगा तो हम उसको एंटिमोफाइली बोलेंगे. इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो बीज होते हैं वो आते हैं एंटिमोफाइली में. एंड मोस्ट प्रोबेबली जितने भी पॉलिनेशंस होते हैं वो एंटिमोफाइली टाइप के ही होते हैं. सेकेंड आता है कायरोप्टेरा. नेक्स्ट वन यू कैन सी कायरोप्टेरा. कायरोप्टेरा बेसिकली कायरोप्टेरा जो स्पीशीज़ होता है वो बैट्स को बोला जाता है. जो चमगादड़ होते हैं उसको बोला जाता है. तो अगर किसी केस में पॉलिनेशन चमगादड़ के थ्रू या बैट के थ्रू हो रहा है तो हम उसको कायरोप्टेरोफाइली बोलते हैं. ओके, कायरोप्टेरोफाइली. वैसे ही मेलकोफाइली बोलते हैं जब पॉलिनेशन स्नेल से होता है. आपने देखा होगा कि स्नेल जो होता है वो क्या करता है, ये प्लांट है, यहाँ पर चला जाता है वो फूल को खाने के लिए. एंड यहाँ पे जब वो फूल को खाने लगता है, पत्ती को खाने लगता है, तो जब वो खाता है तो बाय मिस्टेक जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं. एंड जब वो फिर दूसरे प्लांट में चले जाते हैं उसको खाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उस पॉलन ग्रेन को उसमें रिलीज़ कर देते हैं. सो इट ऑल्सो लीड्स टू अ पॉलिनेशन.
जिसे हम मेलकोफाइली बोलते हैं। वैसे ही ओमनिथोफाइली जितने भी बर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, हमिंग बर्ड मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा है ना, कि वो क्या करती हैं, फ्लावर से ये ऐसे नेक्टर को सक कर लेती हैं, है ना, लंबे से उसकी बीक रहती है और वो सक कर लेती हैं नेक्टर को और दूसरे फ्लावर में फिर उसका नेक्टर सक करने चली जाती हैं। तो इस कंडीशन से वो क्या करती हैं, पॉलिनेशन करती है। तो आप ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ को ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एनिमोफाइली, जैसे पाम में मोस्ट प्रोबेबली एनिमोफाइली से ही होता है, वेलिसनेरिया वाटर से होता है, एंटिमोफाइली में यहाँ सेल्विया बीज करते हैं, बॉम्बैक्स मोरी, यहाँ पे हमिंग बर्ड जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। वैसे ही कैरोप्टेरी बैट्स, स्नेल, स्लग्स एंड यहाँ पे एंट्स, एंट्स से भी किसी कंडीशन में जितने भी रूबिशिया स्पीसीज़ के, रूबिशियसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उसमें एंट्स मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिनेशन, हियर यू कैन सी हाउ द सेल्फ पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस। एज यू कैन सी द एंथर रिलीजेज द पॉलन ग्रेन्स एंड इट कम टू द स्टिग्मा पार्ट एंड हियर द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। हियर यू कैन सी द सेम फ्लावर, सेम प्लांट, बट द फ्लावर आर डिफरेंट एंड द पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस एज यू कैन सी हियर। सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ऑटोगैमी, दिस इज गाइटेनोगैमी and here you can see the two different flowers of different plants leading to a pollination, we can consider it as a xenogamy. Okay, these are the agents. You can see the slide, wind pollination taking place here, water taking place, water pollination. Here you can see this is a hummingbird and pollination by bird, birds are taking place here. The most common bee and the most probably most pollinations, cross pollinations takes place with the help of bees only. Here the reptiles, you can see some reptiles are also responsible, and here the mammals, which is bat, is considered as a agents of pollination. You can see the real footage, real image of the release of pollen grain, how the pollen grains are released, and how here in this picture you can see how the pollination is taking place via water. Okay, so these are the modes of pollination, how the pollination taking place. You can see here is a food for this bee, this come in contact with this flower, this tasty nectar of this flower, and with the help of this they pollinate the flower. Okay, so this is all about our today's topic students. Most probably I don't think that there should be any kind of doubt because this is quite a simple topic, and also questions from this topic comes in your examinations, whether it is from your competitive exam NEET or whatever, or basic of your 12th. Okay, so go through with this topic, and if have any doubt you can ask in a comment section. Okay, so in our next slide, in our next video, we will discuss about the most important topic, double fertilization or triple fusion. Okay, please go through the students. Okay, then thank